क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत में कितनी गायें हैं, कितनी भैंसे हैं और कितनी बकरियां हैं? अगर आपने ये ना भी सोचा हो तो भारत सरकार ने ये आपके लिए सोच के रखा है। हर 5 साल भारत सरकार लाइव स्टॉक सेंसस के जरिए ये आंकड़े इकट्ठा करती है और कहती है कि इससे उसे पॉलिसी बनाने में मदद होती है। लेकिन भारत में कितने ब्राह्मण हैं, कितने बनिया हैं, कितने ओबीसी जातियों के लोग हैं, ये डेटा भारत सरकार ने 90 साल से इकट्ठा नहीं किया है। आखिरी बार ये आंकड़े 1931 के सेंसस में अंग्रेजों ने जमा किए थे। 10 साल पहले 2011 में काफी दबाव में आके यूपीए सरकार ने ऐलान किया था कि वो जाति जनगणना मतलब कास्ट सेंसस करवाएंगे। घर घर जाके बड़ी तादाद में आंकड़े इकट्ठा किए गए और इसमें कई साल लग गए। ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होने वाले थे। आखिर जाति का धन दौलत पढ़ाई लिखाई और सेहत से क्या संबंध है? क्या आजाद भारत की नीतियों ने 100 साल पहले के मुकाबले ज्यादा बराबरी का समाज बनाया है या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब इन आंकड़ों से मिल सकता था। मगर 2011 के सेंसस में जो जाति के आंकड़े रिकॉर्ड हुए थे वो जनता के सामने कभी आए ही नहीं। सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने सेंसस को टालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने इन आंकड़ों को जारी करने से मना ही कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस, जो वैसे तो जानी दुश्मन बने फिरते हैं, इस बात पे सहमत हैं कि जाति के आंकड़े को छुपा के ही रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वो इस बात से डरे हुए हैं कि पता नहीं ये कास्ट सेंसस के आंकड़े क्या खुलासा करेंगे। क्या इनके डर के पीछे कोई राज है? चलिए थोड़ा इतिहास समझते हैं। भारत में जाति व्यवस्था सदियों से चली आ रही है और इस वजह से भारत के हर क्षेत्र में असमानता है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ही इस असमानता के बारे में तफसीली आंकड़े जमा किए गए सेंसस के जरिए। हालांकि अंग्रेजों का मकसद असमानता को ठीक करना नहीं था, वो बस अपने राजकाज को आसान बनाना चाह रहे थे। लेकिन मकसद चाहे जो भी हो, उनके सेंसस के जरिए अंग्रेजों ने पूरे देश के हर एक जाति की संख्या का खुलासा किया। साथ ही ये भी बताया कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास जमीन कितनी है और वो क्या क्या काम करते हैं। ये बात जरूर है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से सेंसस को अंजाम दिया उसमें कई खराबियां थीं। पर एक बात जो जनगणना के जरिए सामने आई और जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी, वो थी ऊंची जातियों का राजनीतिक सत्ता में दबदबा। मिसाल के तौर पर जाति जनगणना से पता चला कि मद्रास प्रोविंस की आबादी में सिर्फ 3% ब्राह्मण थे, लेकिन लगभग 50% सरकारी नौकरियों पर उनका कब्जा था। जनगणना के आंकड़ों से पिछड़ी जातियों को गुस्सा भी आया और हिम्मत भी, और उन्हें ब्रिटिश सरकार को एक मुनासिब व्यवस्था के लिए पिटिशन करना शुरू किया। वो अपनी आबादी के हिसाब से राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस की विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए कोटा शुरू हुआ। जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों की मुहिम रफ्तार पकड़ रही थी, वहीं राष्ट्रवादी आंदोलन इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। कांग्रेस इस राष्ट्रवादी आंदोलन का मुखिया था। उसकी ब्रिटिश हुकूमत से बातचीत की पूरी बुनियाद इस दावे पर टिकी थी कि वो सारे भारतवासियों का प्रतिनिधि है। ऐसे में जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और मुस्लिम समर्थन का एक हिस्सा अपने साथ ले गए, तो अचानक कांग्रेस सिर्फ हिंदू आबादी का प्रवक्ता बनकर रह गया। इस समय ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता की ये कोशिश थी कि जाति के बारे में कम से कम बात हो, क्योंकि जाति की बात उनके राजनीतिक उसूलों की बुनियाद को कमजोर कर सकती थी। इस दौर में जब जनगणना हो रही थी तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर कह रहे थे कि सेंसस में सिर्फ अपना धर्म दर्ज करवाना है और जाति को नहीं बताना है। जाति की असमानता को छुपाने का सबसे बड़ा उदाहरण 1932 का पूना पैक्ट था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विधानसभाओं में विशेष सीटों की मांग की थी। इन सीटों में सिर्फ दलित ही उम्मीदवार हो सकते थे और सिर्फ दलित ही वोट दे सकते थे। अंग्रेज तैयार थे, लेकिन इस मांग को रोकने के लिए गांधी भूख हड़ताल पे चले गए। कहने लगे कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। हमारी पिछली वीडियो में इसके बारे में विस्तार में जानकारी है, लेकिन संक्षिप्त में बोला जाए तो जाति सुधार राष्ट्रवादी दलों के लिए एक सरदर्द बन गया और इसलिए उनने हर मौके पर इसका विरोध किया। यही वजह है कि ज्योतिबा फूले, आयोती दास, पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग आजादी की मांग के आलोचक थे। जाहिर सी बात है, वो आजादी के विचार के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका सवाल था कि आजादी है किसके लिए
उन्होंने ये पहले से भाप लिया था कि भारत जैसे जातियों में बटे समाज में, जहाँ कुछ खास जातियों ने सारे संसाधनों और अवसरों पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ आजादी का मतलब ये होगा कि राजसत्ता अंग्रेजों के हाथ से निकलेगी और सीधे सवर्ण भारतीयों के हाथों में जाएगी। और वो सही भी साबित हुए। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत जनगणना से जाति के आंकड़े हटा दिए। दलील ये दी कि जाति के आंकड़े से समाज में विभाजन पैदा होता है। हाँ, हालांकि एक अपवाद भी था। संविधान में शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जातियों का वर्ग बनाया गया और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस वजह से अनुसूचित जातियों से संबंधित आंकड़े जनगणना में इकट्ठे किए जाते रहे, हालांकि एक अपवाद के तौर पे, ना कि एक नियम के तौर पे। जैसा कि हमने अपने मेरिट और आरक्षण के वीडियो में बताया था, दलितों को दिए गए खास दर्जे से उन्हें जरूरी हिफाजत तो मिली, पर वहीं इसका नतीजा ये भी हुआ कि जाति की जो समस्या भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है और हर भारतीय को वर्गीकृत करती है, उस जाति समस्या को ऐसे पेश किया जाने लगा कि यह सिर्फ दलितों की समस्या है। भारत में ऐसी बहुत सारी पिछड़ी जातियां थी जिनने दलितों जैसे छुआछूत का सामना नहीं किया था, मगर जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने भी हजारों साल अभाव और अपमान झेला था। ये जातियां वो थी जिनका ब्राह्मण शास्त्रों में शूद्र के रूप में वर्णन किया गया था। लेकिन उनकी संख्या कितनी थी, ऊंची जाति के मुकाबले उनके पास कितना धन संसाधन था, ये सवाल जातिवाद के खिलाफ की लड़ाई में जरूरी थे। लेकिन क्योंकि अब जाति जनगणना रोक दी गई थी, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल सकता था। भारत के संविधान में ये निर्देश था कि सरकार अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग के नागरिकों की पहचान करे और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। लेकिन इस श्रेणी में कौन कौन आते थे ये कोई नहीं जानता था। इन जातियों की पहचान करने के लिए 1953 में कालीलकर आयोग का गठन किया गया ताकि ये पता लगाया जाए कि ये जातियां कौन कौन सी थी, उनके हालात का अध्ययन किया जाए और उनकी मदद के लिए उपाय ढूंढा जाए। क्योंकि जाति को जनगणना से हटा दिया गया था, कालीलकर आयोग को 20 साल पुराने 1931 की जनगणना के आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ा। इस आयोग ने 2355 पिछड़ी जातियों की पहचान की और उनके लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन आखिरी वक्त पर काका कललकर पलट गए। जिस आदमी ने आयोग का नेतृत्व किया उसी ने खुद अपने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा कि उनको अभी अभी ख्याल आया है कि अगर भारत को जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है तो पिछड़ेपन को तय करने के लिए जाति का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने भी इस दलील को बढ़ावा दिया। उन्होंने रिपोर्ट को बेकार करार करते हुए ये कहा कि अगर देश के करोड़ों लोग को पिछड़ी श्रेणी में रखा जाएगा तो ये उनको ये एहसास दिलाएगा कि उनका देश पिछड़ा हुआ है। मतलब बुनियादी तौर पे कांग्रेस ये कह रही थी कि जाति आधारित असमानता को निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उस बारे में बात ही ना करें। वो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी वर्ग की इस नई श्रेणी से कोई भी लेने देना नहीं रखना चाहती थी। लेकिन राज्य सरकारों को आजादी थी कि वो अपनी आबादी में ओबीसी की पहचान करें और उनके लिए नीतियां बनाएं। और भले ही कालीलकर आयोग की रिपोर्ट को उनके रचनाकारों ने ही दफन कर दिया था, आने वाले 25 साल में ये रिपोर्ट राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालने वाली थी। कालीलकर आयोग की रिपोर्ट राजनीतिक मांगों की एक नई बुनियाद बन गई। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में स्थिति थोड़ी अलग सी थी। वहां अंग्रेजों के समय से ही पिछड़े वर्ग राजनीति में थे और इस वजह से थोड़े सशक्त हो चुके थे। नतीजन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सरकार और नौकरियां में ओबीसी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। साथ ही उनकी हिस्सेदारी और उनके लिए मौके और बढ़ाने के लिए नए कोटे बनाए गए। कालीलकर रिपोर्ट की धमक उत्तरी भारत में भी महसूस की जा रही थी। बिहार में राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के दबदबे को चुनौती देने लगे। उनकी सरपरस्ती में समाजवादी आंदोलन ने ओबीसी समूह का एक गठबंधन बनाया। यूपी में चरण सिंह नाम के एक जाट नेता कुछ अलग कर रहे थे। वो भी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, मगर जाति पर जोर देने के बजाय वो अपनी राजनीति किसान की पहचान के आसपास बना रहे थे। हालांकि ये आंदोलन जाटों के नेतृत्व में था जो उस वक्त ओबीसी नहीं माने जाते थे। इस आंदोलन में कई सारी ओबीसी जातियां शामिल थी। 1960 के दशक के आखिर तक इन आंदोलनों की वजह से यूपी और बिहार में ओबीसी विधायकों और मंत्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। 1970 के दशक में ये दोनों आंदोलन मिलकर काम करने लगे। 1977 होते होते ये जनता पार्टी का आम हिस्सा बन गए। ये इंदिरा गांधी के विरोध में हर तरह की पार्टियों का एक महागठबंधन था जिसमें भारतीय जनसंघ और यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ बागी टुकड़े शामिल थे।
इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव में इमरजेंसी विरोधी लहर पर सवार होकर जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हरा दिया था। जनता पार्टी ने भारत के सभी अहम उत्तरी राज्यों में भी सरकार बनाई। यूपी और बिहार दोनों को समाजवादी मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने अपने राज्यों में ओबीसी आरक्षण के नियम बनाए। हालांकि गठबंधन के सभी सदस्य ने इन सुधारों की हिमायत नहीं की। जनसंघ और कांग्रेस के पूर्व तत्व जो पार्टी में शामिल हुए थे, वो अभी भी ऊंची जातियों की ताकत बनाए रखना चाहते थे और उन्होंने इस नए कोटे का खूब जमकर विरोध किया। लेकिन अंदरूनी विरोध के बावजूद जनता गठबंधन का ओबीसी समूह एक और अहम जीत हासिल करने में कामयाब रहा। दिसंबर 1978 में पिछले वर्गों की हालत की फिर से जांच करने के लिए मंडल आयोग बना। मंडल आयोग में ऊंची जाति का कोई भी सदस्य नहीं था। इस मामले में ये कालिलकर आयोग से बिल्कुल अलग था, जिसमें ऊंची जातियों का बोलबाला था और सिर्फ एक सदस्य ओबीसी से था। मंडल आयोग के रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए, कुछ ऐसा जो भारत की राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। रिपोर्ट ने बताया कि भारत की 52% आबादी ओबीसी है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। भारत की आबादी में बहुमत ओबीसी और दलितों की थी। मंडल ने यह भी बताया कि धर्म परिवर्तन ने मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जातिवाद खत्म नहीं किया है। रिपोर्ट से पता चला कि ज्यादातर मुसलमान पिछड़ी जातियां के हैं और इसने इस सोच को चुनौती दी कि सभी भारतीय मुसलमान की एक ही पहचान है। इसी वक्त के आसपास कांचीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। वो सभी उत्पीड़ित जातियों, सभी धर्मों के ओबीसी और दलितों को एक साथ बहुजन पहचान के तहत लाना चाहते थे। कांचीराम का मानना था कि इस बहुजन बैनर के तहत एकजुट होके वो अपने आबादी के हिस्से के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांग सकेंगे। भले ही उत्पीड़ित जातियों की असल आबादी के मुद्दे ने एक नई राजनीतिक युद्ध की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट से निकले ये नतीजे 50 साल पुराने आंकड़ों पर ही आधारित थे। तमाम सीमाओं के बावजूद मंडल आयोग ने भारत में फैली असमानता का विस्तृत लेखा जोखा पेश किया। इससे पता चला कि कैसे ज्यादातर सार्वजनिक संस्थाओं और राजनीतिक क्षेत्रों में ऊंची जातियों का बोलबाला था, जबकि वे जनसंख्या के मामले में अल्पसंख्यक थे। मिसाल के तौर पर 1980 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ओबीसी सिर्फ 13% से भी कम थे, जबकि 70% पदों पर ऊंची जातियों ने कब्जा करके रखा था। इन पदों पर नियंत्रण के जरिए ऊंची जातियों ने सरकार के कामकाज पर एक गुप्त एकाधिकार बनाए रखा था। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी हो, ये जातियां पावर में रहती थी। मंडल आयोग ने जाति पर एक कड़ा रुख अपनाया और ये दलील दी कि एक ऐसा समाज जिसकी नींव ही असमानता पे बनी हो, उसमें निजी मेरिट की बात लागू ही नहीं होती। इस हवाले से रिपोर्ट ने सिफारिश दी कि कम से कम 27% सरकारी पद ओबीसी जातियों के लिए आरक्षित किए जाए, मगर ये सिफारिश लगभग 10 साल तक सिर्फ कागजों में ही रही। 1989 में एक गैर कांग्रेसी सरकार फिर से सत्ता में आई। इस सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक समाजवादी थे, जिनकी राजनीति लोहिया से प्रेरित थी। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। नवंबर 1990 में देश भर में ओबीसी आरक्षण का ऐलान हुआ। सिंह ने इस मौके पे कहा कि सिर्फ पैसे से किसी भी तबके की तरक्की नहीं की जा सकती है, वो तभी तरक्की कर सकता है जब सत्ता में उसकी हिस्सेदारी हो। ये एक जरूरी संदेश था कि ये नया कोटा कोई गरीबी हटाने की योजना नहीं थी, बल्कि वो भारत में ताकत के असंतुलन को ठीक करने के लिए एक जरूरी कदम था। ओबीसी कोटा का ऐलान होते ही ऊंची जातियों ने पूरे उत्तर भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। कमीशन की रिपोर्ट को मेरिट की मौत कहते हुए उनने बसों को जलाया, सरकारी इमारतों पर हमला किया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो खुद को भी आग लगा ली। लेकिन उल्टा इन विरोध प्रदर्शनों ने अलग अलग ओबीसी जातियों को एकजुट कर दिया। मंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों को संविधान में लिखे एक मामूली जुमले से ओबीसी पहचान में तब्दील कर दिया। लेकिन मंडल दशकों पुराने संघर्ष का अंजाम था। इन सालों में ओबीसी आरक्षण की मांग एक हाशिए के मुद्दे से राजनीति का केंद्र मुद्दा बन गया, जिसने हिंदुस्तानी राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 और सन 2000 के बीच हिंदी बेल्ट में ऊंची जाति के सांसदों की हिस्सेदारी धीरे धीरे 40% से 30% तक आ गई।
जबकि ओबीसी सांसदों की हिस्सेदारी 13 से बढ़कर 22 फीसदी हो गई। मंडल के बाद ऊंची जातियों के दबदबे वाली पार्टियों जैसे कांग्रेस और भाजपा ने भी ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देना शुरू कर दिया। राजनीतिक शास्त्री क्रिस्टोफ जाफरलॉन ने इसे एक खामोश क्रांति कहा है। तो मंडल के 30 साल बाद आज हम कहां खड़े हैं? हालांकि ओबीसी कोटा लागू हुए कुछ समय हो चुका है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी राजनीति कम दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह भाजपा का उदय और हिंदू ओबीसी वोटों पर उनका कब्जा है। मंडल की सीधी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की ताकि एक हिंदू बैनर के तहत ओबीसी मतदाताओं को एकजुट किया जा सके। इस काम में मुसलमान विरोध को एक जोड़क की तरह इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के लिए ओबीसी वोट शेयर जो 2009 में 22 फीसदी था 2019 में बढ़कर 44 फीसदी हो गया। लेकिन भले ही ओबीसी वोट बीजेपी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे, आज की राष्ट्रीय राजनीति ज्यादातर ऊंची जाति के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती दिखती है और जो सामाजिक तरक्की इतने मेहनत से इतने दशकों से हासिल की गई थी वो कहीं खो सी गई है। SC ST स्कॉलरशिप के लिए बजट घटा दिया गया है। विश्वविद्यालयों में ओबीसी कोटे की सीटें खाली रखी जा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से निजीकरण और आउटसोर्स किया जा रहा है और माली तौर से कमजोर ऊंची जातियों के लोगों के लिए एक नई EWS कोटा की शुरुआत की गई है। एक ऐसा कोटा जो आरक्षण के बुनियादी उसूलों के विपरीत है। आजाद भारत की कहानी उत्पीड़ित जातियों को अदृश्य बनाने की निरंतर कोशिशों की कहानी है, लेकिन यही कहानी इस आदर्शन के खिलाफ निरंतर संघर्ष की भी कहानी है। आज 5 राज्यों ने एक नई जाति जनगणना की मांग करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं और कई दल जिनमें कई भाजपा सहयोगी भी शामिल हैं इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। आज बीजेपी इस मुद्दे पर खुद को मुश्किल में पाती है। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो 2021 की जनगणना में जाति को शामिल करेंगे, लेकिन अब सत्ता में वापस आने के बाद भाजपा का कहना है कि ये बहुत ही मुश्किल है। अगर बीजेपी इस रुख को जारी रखती है तो ये ओबीसी सहयोगियों का समर्थन खो सकती है, लेकिन अगर यह जाति जनगणना के लिए राजी होती है तो ये जाति असमानता के बारे में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है और तथाकथित हिंदू एकता के उस विचार को चुनौती दे सकता है जिसकी बुनियाद पर भाजपा की पूरी राजनीति टिकी है। अगर भारत में जाति जनगणना सच में होता है तो वो आंकड़े भारत की उत्पीड़ित जातियों के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे वो सत्ता पर ऊंची जातियों के दबदबे को नष्ट करने के और करीब आ पाएंगे और देश को वापस सामाजिक सुधार के रास्ते पे ला पाएंगे। हम सब जानते हैं कि आज के देश के माहौल में इसकी हमें कितनी जरूरत है।